बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रोगन बादाम के फ़ायदे के बारे में। असली बादाम रोगन का रंग माइल बे सफ़ेदी होता है और मिलावट वाला माइल बे सुर्खी होता है। थोड़ा सा हथेली पे लगा के दोनों हाथों को रगड़ें, इसके बाद सूंघें और चखें। अगर बादाम जैसी खुशबू और मज़ा हो तो खालस, वरना मिलावट वाला है। दिमाग में तेज़ी पैदा करता है, नींद लाता है, सर के दर्द को दूर करता है, बदन की खुश्की को दूर करता है। कान में आवाज़ें आती हैं तो चंद कतरे कान में टपकाने से नफ़ा होता है। कब्ज़ के लिए अक्सीर है, रुका हुआ पेशाब खुल जाता है, वरूण रैम और पस्तान को तलील करता है। इसके हमेशा इस्तेमाल से बूढ़ों की कमर सीधी हो जाती है। गुर्दे मसाने के दर्दों में मुफीद है, तिली के दर्द और वर्म को रफा करता है। इसके इस्तेमाल से मैदे का दर्द जाता रहता है। इसकी मालिश से हर किस्म की ख़ारिश और दाद को फ़ायदा होता है। इसके इस्तेमाल से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है, दिल के अमराज में मुफीद है, जिगर की सतहों को खोलता है, जिस्म को कुत और तोनाई मुहैया करता है। बादाम रोगन और जैतून का तेल बराबर मकदार में मिलाकर बालों को शैम्पू करें और आधा घंटे बाद धो दें। ऐसा हफ्ते में 2 बार करने से बालों की खुश्की और किनारों के फटनों समेत बालों की तमाम उलझनें ख़त्म हो जाएंगी। चेहरे को रोशन करने के लिए भी और दाग धब्बे मिटाने के लिए भी बराबर मकदार में बादाम का तेल और जैतून का तेल चेहरे पर लगाएं। चंद दिन ऐसा करने से चेहरा साफ हो जाएगा। मकदार खुराक 1 से 2 चमचे रोगने बादाम 1 गिलास दूध में दिन में 1 बार लें। बेहतर है पहले चंद दिन आधा चमचा 1 गिलास दूध में लें, फिर मकदार बढ़ा दें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह।